हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टूर नॉलेज। और आज हम जानेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है और बहुत सारे लोगों का सपना होता है यहाँ घूमने जाना। तो यहाँ कैसे जा सकते हैं, वीजा और यहाँ किस मौसम में घूमने जाना सबसे बेस्ट रहेगा, होटल्स, यहाँ का फेमस फूड और यहाँ घूमने की कुछ खास जगहों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए टूर नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, पर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है। और यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है जो लगभग हर देश से जुड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो भारत के लगभग 82 रुपए के बराबर है। और यहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन और इटालियन है। यहाँ इंग्लिश कम ही बोली जाती है। और स्विट्जरलैंड का टाइम भारत से 3.5 घंटे पीछे चलता है। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने का मन बना रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में आप हर मौसम में घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर मौसम में एक अलग ही खासियत देखने को मिलती है। पर यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर तक का ही माना जाता है। और स्विट्जरलैंड जाने के लिए हमें वीजा चाहिए होता है, और अगर हम वीजा के लिए 1 से 2 महीने पहले अप्लाई कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हमें सिंगेन वीजा की जरूरत होती है। नॉर्मल यूरोपीय वीजा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वीजा हमें 7 से 90 दिन तक का 6,700 रुपए तक में मिल जाता है। और भारत से कई शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता और कोची से हमें स्विट्जरलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी होटल हैं जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल 7 से 15 हजार रुपए पर डे में मिल जाएंगी। और यहाँ आप 3 से 5 हजार रुपए में होम स्टे भी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा चॉकलेट्स होती है और यहाँ की चीज और चॉकलेट बहुत टेस्टी मानी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ की चॉकलेट्स आप लोकल दुकानों से ही खरीदें। अगर आप टूरिस्ट ग्रोसरी से ये सारी चीजें खरीदेंगे तो आपको महंगी मिल सकती हैं। और अगर आप यहाँ की लोकल दुकानों से ये सब चीजें खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। और अगर आप एक पूरी थाली खाने के लिए यहाँ ऑर्डर करते हैं तो वो लगभग आपको 2 से 3 हजार रुपए में मिलेगी, क्योंकि यहाँ का इंडियन फूड बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ के लोग इटालियन खाना पसंद करते हैं। और अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड में घूमने की कुछ खास जगहों के बारे में। आप स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए पास भी बनवा सकते हैं जो 3 से 15 दिन तक वैलिड रहता है, और इसे आप बस, ट्रेन, ट्राम और बोट जैसी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह कई म्यूजियम में भी फ्री एंट्री दिलवाता है। और आप ग्लेशियर एक्सप्रेस में जरूर सफर करें, क्योंकि यह दुनिया का सबसे सुंदर रेल रूट माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम स्विट्जरलैंड में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मैटरहॉर्न, जर्मेट शहर मैटरहॉर्न के पास बसा है और बहुत ही सुंदर शहर है। और यहाँ ना तो कोई कार चलती है और ना ही ट्रेन, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। मैटरहॉर्न की खूबसूरती तो पूरी दुनिया में फेमस है, और यहाँ मौसम के अनुसार कई सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। साथ ही जर्मेट शहर में शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी सिटी भी है। और यहाँ कई सारे चर्च, म्यूजियम, थिएटर, पार्क और लेक्स हैं घूमने के लिए। साथ ही यहाँ की नाइट क्लब्स तो बहुत ही फेमस हैं। ल्यूजन, यह भी बहुत सुंदर जगह है जो नीलम झील के पास बसा हुआ है। यह स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है, पर टूरिस्ट यहाँ घूमना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के पुराने ब्रिज, म्यूजियम बहुत फेमस हैं। जिनेवा, इसे स्विट्जरलैंड का शांत शहर कहते हैं। जिनेवा में बहुत फेमस मोटर शो होता है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिनेवा में जिनेवा लेक, ओपेरा हाउस, लेबोरेटरी कला म्यूजियम घूमने के लिए बहुत खास जगह है। इंटरलेकिन, यह एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर DDLJ की शूटिंग हुई थी, और इसलिए यहाँ हमारे इंडियन डायरेक्टर यशराज चोपड़ा जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ कई सारे रिजॉर्ट हैं और यह जगह पहाड़ों और लेक से घिरी हुई है। स्विस नेशनल पार्क, स्विस नेशनल पार्क स्विट्जरलैंड में बहुत घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। इसे 1914 में बनवाया गया था। यहाँ कई जानवर हैं
जिन्हें हम इंडिया में कभी नहीं देख सकते। और इस पार्क के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जो इसे काफी खूबसूरत बनाते हैं। द राइन फॉल्स। राइन फॉल्स एक बहुत बड़ा फॉल है और यहाँ खड़े होकर स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यह यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, जिसमें आप बोटिंग और एडवेंचर पार्क का मजा भी ले सकते हैं। जुक फ्रॉन जूस। यह द टॉप ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। यह पूरी बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ स्विट्जरलैंड के बहुत फेमस और पुराने रिजॉर्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्विट्जरलैंड में घूमने की सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही कई सारे वीडियोस देख सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।